अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 कंप्यूटर के लिए वो है पी साइड स्टेटमेंट और दूसरा हमारे पास है लाइन स्टेटमेंट। अब बेटा पी साइड स्टेटमेंट क्या होती है इसकी बेटा सिंपल हमारे पास डेफिनेशन होगी, टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ ग्राफिक्स मोड। बेटा ग्राफिक्स मोड में जब हमने कोई स्पेसिफिक प्लेस को बेटा पॉइंट आउट करना हो तो हम उसमें पी सेट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब बेटा मोड आपके पास हमने तीन पड़े हुए हैं, टेक्स्चुअल टेक्स्ट मोड और दूसरा टेक्स्ट मोड में बेटा क्या होता है कि अगर हमारा जो डाटा है वो टेक्स्चुअल फॉर्म में होगा तो हम टेक्स्ट मोड यूज करेंगे, अगर बेटा हमारा जो डाटा है वो मीडियम मोड में होगा तो उसकी जो रेंज है वो आपने देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग है। अगर हमारी स्टेटमेंट 320 कॉलम से लेकर 200 तक आएगी तो बेटा उसमें हमने मीडियम रेजोल्यूशन मोड यूज करना है, उसमें हम फोर कलर्स यूज कर सकते हैं। और थर्ड बेटा हाई रेजोल्यूशन मोड में उसकी जो रेंज है वो है 640 कॉलम से लेकर बेटा 200 पिक्सल तक, इसमें बेटा हम 16 कलर्स को यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टेटमेंट कैसी है, किस तरह की, हम उसमें भी उस हिसाब से ही अपनी मोड को यूज करना है। अब बेटा यहाँ पे अगर हमारा जो मोड की रेंज है अगर लेट्स सपोज करें इसकी बेटा एक लिमिटेड रेंज है, अगर वो रेंज हमारे पास -3276 से लेके +3278 तक चली जाए तो बेटा ये आ जाएगा आउट ऑफ रेंज यानी आउटसाइड पे चला जाएगा। और यहाँ पे बेटा जो एरर रिव्यू होगा वो हमारे पास होगा ओवरफ्लो एरर, इसका नाम देंगे ओवरफ्लो एरर का। तो इसका बेटा सिंटैक्स क्या आएगा पी सेट, अब इसमें एक्स और वाई हम एज अ वेरिएबल ले रहे हैं ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नेक्स्ट आप लेंगे कलर। पी सेट स्टेटमेंट में बेटा एक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफसेट वैल्यू से और वाई को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफसेट वैल्यू से कि कौन सा पॉइंट आउट करना है हमने स्टेटमेंट के अंदर। अब बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 10 ले रहे हैं और वाई की वैल्यू भी हम इसमें पी सेट स्टेटमेंट के अंदर 10 को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लाइन स्टेटमेंट। अब बेटा लाइन स्टेटमेंट के नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें हमने लाइंस लगानी है। तो द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन एंड बॉक्सेस, बेसिकली जो हमारे पास लाइन स्टेटमेंट है इसका पर्पस ये होता है, इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि स्टेटमेंट्स के अंदर हमने लाइंस और बॉक्सेस को यूज करना है। उसके बाद लाइन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जनरेट अ लाइन बिटवीन टू स्टेटमेंट, अगर बेटा दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स के अंदर हमने लाइंस या बॉक्सेस को यूज करना हो तो उसमें हम यूज करते हैं लाइन स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स क्या आएगा लाइन x1 और कॉमा y2, इसी तरह x1 y1 x2 y2 ये बेटा हम इसमें वेरिएबल ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स आएगा bf ये एज अ वेरिएबल ले रहे हैं और आपने कौन सा स्टाइल आपने इसमें लगाना है, कौन सा स्टाइल आपको लाइंस के अंदर चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के अंदर हमारे पास है टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम लास्ट पॉइंट रेफरेंस x2 y2 फॉर फॉरग्राउंड कलर। अब बेटा इसमें लाइंस हमने लेट्स सपोज करें दो लाइंस हमने ली है 160,0 -160,99 और दूसरा हमारे पास आएगा लाइन नंबर 00 -100,175। अब बेटा ये इसके लाइंस को रिप्रेजेंट करवा रहा है और ये बॉक्सेस को, तो लाइन स्टेटमेंट्स के अंदर हम लाइंस और बॉक्सेस को यूज करते हैं दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम इसके अंदर लाइन और बॉक्सेस का यूज करते हैं। तो बेटा ये जो आपके टॉपिक थे इनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है, अगर आपको इसी टॉपिक की समझ ना आए तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।